तो नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग और आज के शाम के सेशन में आपका स्वागत है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा परिवर्तन जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की क्षमता रखती है। अपना बात करती हूँ तो नाम ममता राजपूत है, हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और इसी सिस्टम के साथ अपने बहुत बड़े सपने मैंने देखे और उन सभी सपनों में रंग भी भरा। अगर अपनी बात करूँ तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसके सपने बहुत बड़े थे और इस सिस्टम को 4 साल करते करते जो मिला उसकी अगर हम बात करते हैं तो तीसरा फॉरेन ट्रिप जो अभी रिसेंटली हम लोग लेके आए हैं बैंकॉक का, बहुत शानदार रहा। पूरा का पूरा पावर पैक रहा, पावर बैंक की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जितने भी लोग टीम के यहाँ सिस्टम को के साथ प्लग इन होके अपना ये फॉरेन ट्रिप लेके आए थे, सबके मन में बहुत ही गजब का उत्साह है, जोश है। और हम लकी रहे कि जब हम थाईलैंड की धरती पे थे तभी समीर सर ने हमारे लिए एक पिक और अनाउंस कर दिया, तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि अब दुबई जाने की तैयारी सभी ने वहीं से करनी शुरू कर दी थी, कमर कस ली है। और दूसरे अगर एक अचीवमेंट की बात करती हूँ तो क्योंकि प्लेटिनम डायरेक्टर टाइटल पे यहाँ हूँ तो एक कार भी यहीं से ले चुकी हूँ और एक अच्छी सी अर्निंग अपनी और अपनी टीम की दो सबके साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बहुत कुछ देता है जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में लाता है। हम सपने बुनते हैं और उन सपनों में रंग भरने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत हमेशा से होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें पकड़ के चल सके, हमारे सपनों में रंग भर सके। तो कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म मोदी केयर के रूप में मुझे मिला और आज हम बात करेंगे उसी परिवर्तन की, जिस परिवर्तन ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को परिवर्तित कर रहा है। यानी कि वो दुकान बदलने की परिचय, वो दुकान बदलने की परिभाषा जो हमें बहुत कुछ देती है। और आइए उन्हीं से जानेंगे और उन्हीं से समझेंगे जिन्होंने इस परिवर्तन को ना अपनी जिंदगी में अप्लाई किया परंतु हमारे पूरे उत्तराखंड में एक अलग जलवाई और पूरी उत्तराखंड की धरती उनकी शुक्रगुजार है, उनके लिए कृतज्ञ है और हमेशा उनको धन्यवाद देते हैं हम इस सिस्टम को हमारी जिंदगी में लाने के लिए। अगर हम उनकी बात करते हैं तो चाहे वो गाड़ी का सपना हो, चाहे वो विदेश यात्रा का सपना हो या अपने शानदार से घर का सपना हो, वो सारे सपने उन्होंने लिए, अपने सपनों में रंग यहीं से भरा। और अगर हम एक अचीवमेंट की बात करते हैं तो एक अचीवमेंट है उनके पास एक बहुत बड़ा सा परिवार उनकी पूरी टीम के साथ जो हमेशा उनका शुक्रगुजार रहता है। तो आइए दोस्तों, जो आपका ये आधा घंटा जो आप आज यहाँ देने वाले हो इस प्लेटफॉर्म पे, यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाने में सक्षम है। और आपको जब ये मीटिंग सुनने के बाद इसको ध्यान से सुनिएगा तब आप देखेंगे कि एक एक सिस्टम, एक सिर्फ एक दुकान बदलने का परिचय और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए दोस्तों, जोरदार तालियों से उमंग और उत्साह के साथ स्वागत कर लेते हैं हमारे उत्तराखंड के पहले ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर नवीन सर का। सो वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू ममता मैम इस वार्म वेलकम के लिए। और बिल्कुल आपका उत्साह देखते हुए बनता है। और अभी अभी आप कह रहे हैं कि थाईलैंड से होके आए हैं, और एक एक हाउसवाइफ की हम बात करते हैं। एक हाउसवाइफ है, अगर उसके भी सपने हैं, सपने के बाद उसकी जिंदगी में ठीक है घर की जिम्मेदारी आ जाती है, उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते अगर कोई आदमी कहता है कि मैंने यहाँ से गाड़ी खरीद ली है, मैं यहाँ से 3 विदेश यात्रा कर चुकी हूँ, ठीक है, तो बड़े बड़े सपने बना के कोई आदमी यहाँ पर आ रहा है, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। तो माध्यम बन के अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिससे आपको आपके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए एक रास्ता मिल जाए, और उस रास्ते में चलते हुए आपके जैसे लोग अगर सफल हो रहे हो और आपको वो रास्ता मिल जाए, निश्चित रूप से आप भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों जैसे ममता मैडम ने अभी बताया, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरी लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी आई। मैंने बहुत लंबे समय तक कॉर्पोरेट में काम किया, लगभग 19 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। जब मैंने वहां पर काम किया था, एक लिमिटेड अर्निंग के साथ मेरी लाइफ चल रही थी, तभी मैंने देखा है अपने ही जैसे कुछ लोग हैं, एक दूसरी इंडस्ट्री का हिस्सा है, और वहां पर वो लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीना कमा रहे हैं। मुझे लगा अगर मेहनत ही करनी है, लाइफ स्टाइल अगर अच्छी बनानी है, तो क्यों ना ऐसी जगह मेहनत करी जाए जहां ज्यादा मिल सकता है, और अपने जैसे लोग सक्सेस भी हो रहे हैं और सिस्टम को सिखाने के लिए लोग भी हैं। जब मैंने उस सिस्टम को देखा, देखने के बाद उस सिस्टम का हिस्सा मैं भी बन गया। हर आदमी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, मैं भी आगे बढ़ना चाहता है। जैसी वो अपॉर्चुनिटी मिली मैं उसका हिस्सा बना, और देखते ही देखते मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी है, क्या वो ऐसा सकारात्मक परिवर्तन है जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, आज हम उसी को देखेंगे और उसी को समझेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी हमारे गेस्ट हैं, आप लोग यहाँ पर जो समय अभी देंगे, लगभग 1 घंटे का समय आपका रहेगा, उस 1 घंटे के समय में मैं कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बस फोकस होकर इस सिस्टम को देखिए, क्या ये सिस्टम है, कैसे एक सकारात्मक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकता है। यहाँ पर लिखा है परिवर्तन, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। यानी सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिससे मेरे जैसे लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे, तो मैं भी कमा सकता हूँ। सबसे पहले सोच लाना जरूरी होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, मैं अपनी बात करूं, शुरुआती दौर में मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरा जीएम जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, एमटेक करके बैठा हुआ है, क्या मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ।
जब मैंने देखा कि अपने ही जैसे लोग तो हैं जो दूसरी जगह कमा रहे हैं, तो विश्वास बढ़ गया धीरे धीरे, आज वही लाइफ मेरी भी होगी, उससे कहीं आगे की लाइफ मेरी होगी। तो एक सकारात्मक परिवर्तन की हम लोग बात करेंगे जो आप सभी की जिंदगी में आ सकता है। क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? यह सवाल मुझसे पूछा गया था। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? एक आदमी मानव योनि में आता है तो उसको क्या चाहिए? उसको एक जो संसार में उपभोग की चीजें वो सब उपभोग करे, वो हर आदमी चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आदमी जब आता है, घर का सपना है उसका। क्या जिस घर में आप रहते हैं वो आपका ड्रीम हाउस है? क्या जिस गाड़ी में आप चलते हैं वो आपकी ड्रीम कार है? क्या वो मान सम्मान जो आप चाहते हैं लोगों को देखते हैं क्या आपको मिल पाता है? देश विदेश की यात्रा आप कर पाते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आजादी यानी वित्तीय सुरक्षा, कि कल कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए हम क्या तैयार हैं उस चीज के लिए, पैसे की कभी कोई कमी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं हम काम के पीछे भाग रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, जीवन में काम और जीवन का संतुलन, लेकिन फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं? मुझसे जब पूछा गया, मेरा आंसर था नहीं, मैं इस चक्रव्यूह में फंसा हूं और ये सब चीजों में मेरे पास नहीं है, मुझे ये सब चीजें चाहिए थी। और ये हो क्यों रहा था बेसिकली? अब यहाँ पर देखिए, इनकम का गोला छोटा सा है, इनकम इतनी सी है, सपने इतने बड़े हैं। जब छोटी इनकम है, बड़े सपने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हर जगह लाइफ में कंप्रोमाइज करता था हर व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कंप्रोमाइज करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां से ये कंप्रोमाइज बंद होके आपकी जिंदगी में ये सारे सपने पूरे करने का मौका मिल जाए, तो निश्चित रूप उसको देखना चाहिए। वही मैंने देखा था। कई बार हम लोग सोचते हैं काम करते करते कि 5 साल बाद ठीक हो जाएगा, 10 साल बाद ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद में हम लोग भ्रम में बेसिकली जीते हैं। होता क्या है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, आप अपनी सालाना आय तो बढ़ रही होती है, एनुअल इनकम आपकी बढ़ रही होती है, नो डाउट इसमें, लेकिन खर्चे और महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन जो इसका रेशियो होता है वो हम देखते हैं कि 10 साल बाद हम जहां पहुंचेंगे महंगाई उससे आगे बढ़ जाती है। तो हो क्या रहा है हमारे बीच में, 1980 में, 1980 में 1,000 रुपये में एक फैमिली का सर्वाइवल था, चल जाता था। ठीक, 20 साल बाद 10,000 की जरूरत पड़ने लगी, 2,000 आते आते। अगले 20 साल बाद 2020, 1,00,000 रुपये महीने में वही खर्चे पूरे होने लगे। सन 2040 हमारे बीच में आने वाला है। आज अगर यही रेशियो रहा तो आज 2020 में जो 1,00,000 रुपये की वैल्यू है वो 2040 जाते जाते वो 10,00,000 रुपये हो जाएगी। तो क्या हम इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? आज अगर 1,00,000 रुपये किसी के पास आ रहा है ना, उस 1,00,000 रुपये में जरूरतें पूरी होती हैं, जो सपने मैंने बताए थे वो नहीं होते हैं। आपके मनपसंद घर, मनपसंद गाड़ी, ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। 1,00,000 में भी आज जरूरतें पूरी हो रही है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हमें वो रास्ता मिले जहां से वो सपने पूरे करें। अगर हम पैसे कमाने की बात करते हैं, दो तरह के हम लोग काम करते हैं। एक है एक्टिव इनकम प्लान, जो 40 साल का होता है। एक व्यक्ति 20-22 साल में नौजवान, काले बाल, बढ़िया एनर्जी के साथ फील्ड में उतरता है, किसी जगह भी अपना करियर बनाता है, नौकरी में जाता है या अपना कोई कारोबार करता है, और उसके बाद 60 साल तक वो आदमी काम करता है। 60 साल तक वो आदमी काम करने के बाद रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो फैमिली पर डिपेंड हो जाता है। यानी जब तक उसने काम किया तब तक उसको पैसा आया, काम करना बंद पैसा आना बंद। कौन लोग होते हैं, जैसे कोई नौकरी करता है रिटायर हो जाता है, कोई दुकान खोलता है, जब तक वो गल्ले में बैठा हुआ है मेंटेन करता है, गल्ले से बाहर आ गए तो फिर क्या हो गया, बच्चों पर डिपेंड हो गए, रिटायरमेंट हो गए तो बच्चों पर डिपेंड हो गए। इवन कोई डॉक्टर है, सीए एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है, 10,00,000 रुपये महीना कमाता है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी करना बंद, पैसा आना बंद। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, सबसे खतरनाक इनकम है। इस इनकम को लेने वाले के परिवार हमेशा खतरे में रहते हैं, सिक्योरिटी नहीं होती है, पैसा कमाने वाले को कुछ हो गया तो परिवार बिखर जाता है। दूसरा है आजादी प्लान, ये 2 से 5 साल का एक ऐसा प्लान होता है जहां पर कि हम लोग एक सिक्योरिटी हो जाती है और लाइफ टाइम पैसा आता है, पैसे की आजादी हो जाती है, इसलिए आजादी प्लान इसको रखा गया है। शुरुआती दौर में इनकम हो सकता है कम देखिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक सिस्टम बना रहे होते हो, लेकिन जैसे एक सिस्टम डेवलप हो जाता है उसके बाद लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग हम कहें कि जो पैसिव इनकम लेते हैं। कौन लोग होते हैं भाई, मान लेते हैं कोई आदमी है जो बच्चा सिंगर है, गाना गाता है, तो उसने क्या किया भाई, एक गाना रिकॉर्डिंग होता है, जब वो गाना गाना स्टार्ट करता है और गाना हिट हो जाता है, जब जब वो गाने सुने जाते हैं तब तक पैसा आता है। एक राइटर है, किताब लिखता है, लिखने में प्रोसेस में समय लगा, एक बेस्ट सेलिंग बुक हो गई, जब भी बिक्री है पैसा आ रहा है। या आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने रेंटल प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है तो आपको रिटर्न आ रहा है। अगर आप न गाना गा सकते हैं, न किताब लिख सकते हैं, न माँ बाप के पास इतना पैसा है कि रेंटल प्रॉपर्टी है, तो ये इनकम कैसे आए? उसके लिए है, वो है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स काम करना एक नई अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देती है इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के आप यहाँ पर वो सारी आजादी पा सकते हैं जो आज बड़े बड़े लोग यहाँ से ले रहे हैं। हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या है। इसको अगर फर्क देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो सिस्टम बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है जो सामान की है, जो हमारे घर में सामान आता है कैसे आता है। 35 रुपए का एक सामान बना कंपनी में, 35 रुपीज का एक चेन बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या 45 का हो गया, होलसेलर पे क्या 65 का हो गया, रिटेलर पे क्या 75 का हो गया, और हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है।
ये सिस्टम चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं मिडिल मैन, जो बीच के लोग हैं, यहां पर अगर ना हो तो ये डायरेक्ट सेल हो जाएगा। पहले वाले में जो आया था वो मिडिल मैन थे, बीच में जो पैसा था वहां बट रहा था। अब ये जो आया नया सिस्टम आया, कंपनी टू कस्टमर आया, इसको डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट आया था, मिलावट का कोई चांस नहीं है। मिडिल मैन बीच में से हट जाते हैं, जो पैसा बीच में बट रहा होता है, प्रमोशन का पैसा है, मिडिल मैन का पैसा है, वो सारा पैसा कमाने का मौका हमको मिलता है, ये डायरेक्ट सेल्स। आगे समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कोई निवेश नहीं होता है, कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस करते हो, लेकिन कोई ऐसा निवेश आपका नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होता है, और कोई रिस्क भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जब पैसा नहीं लगा तो खतरा किस बात का। बिजनेस तो है, लेकिन आपको जगह की जरूरत नहीं है, कोई मैन पावर रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसमें। और पीढ़ियों के लिए व्यापार है, आप शुरू करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस आपको आगे लेके जाएगा, आपको जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक समय के बाद टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, आपने 2 4 5 साल काम कर लिया, आप उसके बाद काम करो ना करो, लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा और आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पिछला कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, कि पहले आपने क्या किया, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं। हिंदुस्तान के नागरिक हो, 18 साल की उम्र हो चुकी है, आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आपके पास ड्रीम है, आप सपने देखते हैं, तो आपके लिए ये मौका रहेगा। पैसिव इनकम है, यानी एक सिस्टम हम बनाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर वो सिस्टम काम करेगा, और आप काम करें ना करें आपके पास आएगा और लाइफ टाइम आएगा। ये एक निष्क्रिय आय आपको देता है, पैसिव इनकम देता है डायरेक्ट सेलिंग में। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो था पार्ट टाइम में कर सकते हैं। मैं नौकरी करता था, नौकरी के साथ मुझे लगा कि यस 2 घंटा 3 घंटा देखिए एक ऐसा सेकेंडरी इनकम बन सकती है, और वो सेकेंडरी इनकम कब मेरी प्राइमरी इनकम बनी पता भी नहीं चला। तो पार्ट टाइम में यार कोई भी स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, आप जो मर्जी करते हो, हफ्ते में 4 घंटे 6 घंटे निकाल लो ना, तो भी आप बिजनेस को कर सकते हो, इतना बढ़िया ही बिजनेस है। भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, मिस्टर समीर मोदी जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी। और इनका जो सपना था लाखों डायरेक्ट सेलर के इनके जीवन को बदलाव लाना, जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर देखते हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां उनके साथ कभी धोखा ना हो और लाइफ टाइम उनको करियर अपॉर्चुनिटी मिले, इस सपने के साथ समीर मोदी जी ने मोदी केयर की स्थापना करी। अगर मोदी केयर की बात करते हैं, पिछले 27 सालों से लोगों की जिंदगी बदल रहा है। 1996 में शुरू हुआ मोदी केयर, मल्टी बिलियन डॉलर मोदी एंटरप्राइजेस का हिस्सा है, जो लगभग 63,000 करोड़ का ग्रुप है, 120 से अधिक देशों में फैला हुआ है, इनका व्यापार है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है। आकर्षक व्यवसायिक अपॉर्चुनिटी है, अट्रैक्टिव है, कोई भी देखेगा तो कहेगा यस इसमें काम किया जा सकता है। बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं, IDSA की फाउंडिंग मेंबर कंपनी है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, यानी कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक अथॉरिटी हम कह सकते हैं, जो एक प्रमाण होता है कि अगर आप यहाँ पर इस संस्था से जुड़ी हुई, यानी IDSA के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसकी फाउंडिंग मेंबर मोदी केयर है। आज 25 साल पूरे करने वाली, आज 27 साल पूरे करने वाली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है, इसकी सक्सेस की स्टोरी चलते जा रही है, चलते जा रही है। अगर हम मोदी ग्रुप की विरासत की बात करते हैं, ये कंपनी कहाँ से उठ के आई है, बैकग्राउंड देखिए आप, क्योंकि पहला कदम जहां पर भी रखते हैं कंपनी, सबसे पहले देखा जाता है कंपनी की फाउंडेशन क्या है। 1933 में शुरू हुआ मोदी ग्रुप, श्री राय बहादुर गुज्जरमल मोदी, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। 27 अलग अलग उद्योग उन्होंने लगाए थे, जब देश गुलाम था तब भी इंडस्ट्री लगा रहे थे, तब का ही ग्रुप है। देश के विकास में इनके योगदान को देखते हुए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी विरासत को आगे ले गए के मोदी जी, 120 से अधिक देशों तक व्यापार पहुंचाया है। वर्तमान में मोदी एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष है श्रीमती बीना मोदी, डॉक्टर श्रीमती बीना मोदी जी, सफलतापूर्वक व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। मिस्टर समीर मोदी थर्ड जनरेशन है और एक ऐसे लीडर है आज जिनकी एक सोच आई, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समीर मोदी जी को एक सोच आई कि समाज के लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने मोदी केयर की स्थापना करी। आज 24/7 कलर बार उसके अध्यक्ष हैं, मोदी केयर के प्रबंधक हैं, बहुत सारे बिजनेस को लीड करते हैं, CACCI जैसी संस्था के अध्यक्ष हैं। तो आज बिजनेस टाइकोन में से, इंडियन बिजनेस टाइकोन में से एक है मिस्टर समीर मोदी, जो मोदी केयर को लीड करते हैं। अब मोदी केयर के बारे में अगर आज के बाद बात करते हैं, आज क्या स्थिति मोदी केयर की है, देखो 1800 करोड़ की सालाना बिक्री यहाँ पर हो रही है। बिजनेस टर्नओवर अगर सालाना कहें लगभग 1800 करोड़ का है। 53,53,00,000 डायरेक्ट सेलर ऑलरेडी मोदी केयर के अंदर है, ठीक। 10,000 लोग पर डे ज्वाइन कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, मोदी केयर के अंदर परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। 5,000 शहरों में व्यापार है, 5 लाख स्क्वायर फीट का तो ऑफिस और गोदाम का एरिया है, ऑल ओवर इंडिया का जितना एरिया मिले, 5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस गोदाम का एरिया है। इसके अलावा 17,000 पिन कोड पे सर्विस है, गांव गांव में, ऑल ओवर इंडिया। इस वक्त जहां मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बहुत रूरल एरिया है बेरीनाग में, यहां तक सर्विस है, कहीं पर भी चले जाइए आप। 14,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जहां से फिजिकल सर्विस मिल रही है। तो ये कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो अगर आप देखें किसी भी कंपनी में कदम रखने के क्या देखा जाता है, इतना बड़ा सब आप एक गूगल लेंस लगा के देखेंगे ना, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े प्रोफाइल की कंपनी आपको नहीं मिलेगी। एज ए करियर हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रोफाइल हमारे पास है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट के बिना काम चलेगा नहीं, प्रोडक्ट से ही सारा कुछ है। तो प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, घर का रोजमर्रा का जो सामान है, लगभग 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं रोजमर्रा का सामान। ठीक, 350 से अधिक यहाँ पर प्रोडक्ट रेंज आपके पास है, जो आपको आर्थिक आजादी देने में मदद करेगी। क्या सामान है उसमें, घर का रोजमर्रा का सामान, हल्दी, मिर्च, मसाला, धनिया, जो डेली नीड के आइटम है, घी, तेल, ये सब। फूड एंड बेवरेज की बात कर ले, स्किन केयर की पूरी रेंज है सब। कॉस्मेटिक में तो कलर बार गजब के प्रोडक्ट है, जो मेकअप का सामान रहेगा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में बात कर लिए, 2 साल से 100 साल सबके लिए आपको न्यूट्रिशन यहाँ पर मिल जाते हैं। पर्सनल केयर की रेंज है, ऑटो केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, अगरबत्ती है, घड़ियों का कलेक्शन, लाइफस्टाइल में कुकू एयर प्यूरिफायर, ज्वेलरी का कलेक्शन, बहुत सारी प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से हमारे घर में आ रहे हैं, ये पक्का है। भले हमारे घर में 2,000 का है, 5,000 का, 10,000 का, ये सारा सामान कहीं ना कहीं से हमारे घर में आ रहा है। तो मोदी केयर भी आपको ये सारे प्रोडक्ट लेके आता है, साथ में देता है मनी बैक गारंटी। हर प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी होगी, लिखा होगा। अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करते हो, प्रोडक्ट में कोई भी शिकायत होने पे आप 1 महीने के अंदर खुला हुआ सामान वापस कर सकते हो, इतना क्वालिटी का भरोसा है, इतनी गारंटी है। अब हमने प्रोडक्ट भी देख लिया, सिस्टम समझ लिया, हम बात करते हैं समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की, यानी एक बिजनेस प्लान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो समीर मोदी जी कहते हैं, मेरा सपना है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को आर्थिक आजादी मिले, हर व्यक्ति संपन्न हो, हर व्यक्ति अपने सपने पूरे करे। इस सपने के साथ उन्होंने इस प्लान को लॉन्च किया। अगर समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छे प्लान में से एक है। कंपनी मासिक ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का 72% बांटती है। लगभग हम बात करें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास जो है अभी महीने का एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो 72 करोड़ बट रहा है, हर महीने बट रहा है, कितना बट रहा है। कम निवेश है, निवेश जीरो कह सकते हैं, कोई निवेश नहीं है। घर का रोजमर्रा का सामान हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, समझने में आसान है और समझाने में आसान है। और क्वालिटी की बात करते हैं तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं, और इसलिए हर प्रोडक्ट पे 100% मनी पे गारंटी होती है, साइन किए हुए होते हैं मिस्टर समीर मोदी के। और सबसे अच्छी बात है, कोई करना चाहेगा तो मैं कैसे करूंगा, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम लाजवाब है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। अब यहाँ पर 12 तरह की इनकम आपको मिलते हैं जब हम बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं, अपनी शॉप चेंज करते हैं और मोदी केयर से सामान ले लेते हैं। उसके बाद जब बिजनेस का हिसाब बनते हैं, 12 तरह की इनकम आपको मिलती है। सबसे पहले अपनी खरीदारी पे बचत होती है, सेविंग ऑन कंजप्शन, देन फिर रिटेल प्रॉफिट, उसके बाद एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7 से 16% का ये है। फिर आगे जाते जाते जो 72% का पूल था, 16% तक यहाँ पर एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आ गए, तो 4% का डायरेक्टर बोनस पूल है, 15% का टीम बोनस पूल है, 7% का बिल्डर बोनस पूल है, 2% डायमंड बोनस पूल हो जाएगा, 2% ट्रेवल फंड पूल हो जाएगा, 5% कार फंड पूल हो जाएगा, 3% का हाउस बोनस पूल है, 17% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल है, 1% ईयरली फाउंडर बोनस पूल है। ये 72% जो पैसा है अलग अलग करके बांटा गया है। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, सिस्टम आएंगे, ये सारी इनकम हम ले सकते हैं। कैसे, आगे समझते हैं। सबसे पहले खपत पे बचत, जब हम लेते हैं उसमें 30% तक की सेविंग आप कर सकते हैं। साथ में आपको रिपर्चेज का बेनिफिट, लॉयल्टी का बेनिफिट आपको मिल सकता है। समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कहते हैं जो खरीदारी पे हमें बचत होगी 30% तक, यानी 30% की सेविंग तो आप केवल डिस्काउंट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने घर का सामान लिया, उसका एमआरपी था 1300 रुपये, 1300, और आपको मिला 1000 रुपीज में, क्योंकि आपको डिस्काउंट पे सामान मिल रहा है, डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो जो 300 रुपये बचे आपका रिटेल प्रॉफिट है, ये आपकी सेविंग हो गई। अपने घर के ले रहे हैं सेविंग है, और रिटेल प्रॉफिट का मतलब आपने जो सामान लिया, प्रोडक्ट आपने यूज किया, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आपने मान लेते भाई पोछा लगाने का प्रोडक्ट आपने लिया, स्टरी क्लीन, आपके घर में चींटियां आती थी, बंद हो गई, लाल चींटियां आने, आपने पड़ोसी को बताया हमारे घर में ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, उन्होंने क्या कहेंगे आपसे, कहीं हमारे लिए भी लेके आना, तो आपने उनको दिया एमआरपी पे, ये आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। और अपने लिए भी खरीदेंगे तो आपकी बचत होगी। तो पहला है 30% तक की आप सेविंग कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट बात करते हैं, वह है रिपर्चेज प्रोग्राम। हम जब सामान खरीदेंगे यहाँ से, आपने 1000 रुपये का भी सामान खरीदा, आपको 100 रुपये का सामान फ्री मिलेगा, 2000 में 200 रुपये का, 3000 में 300 का, 5000 में 500 का। यानी आज तक भी हमने खरीदारी करी, मोहल्ले की दुकान से लेके आए, सालों से लेके आ रहे हैं, कभी शायद 10 रुपये का सामान फ्री नहीं मिला होगा। यहाँ पर कंपनी कह रही है आपको, भैया हर महीने जब भी परचेजिंग करेंगे 10% का सामान आपको फ्री मिलेगा, बिलिंग का केवल 1 रुपया आपने देखना है, और 1100 रुपये तक का सामान आप महीने में फ्री ले सकते हैं, 11000 रुपये तक की परचेजिंग पे। तो हर महीने आपको एक परिवार का कितना खर्चा आएगा, 8000-10000 मैक्सिमम। तो पूरा पूरा बेनिफिट 10% का आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, हम कई दुकान से बार बार कई सालों से सामान खरीद रहे हैं तो शायद हमें शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी केयर कहता है अगर आप 6 महीने के लिए लॉयल कस्टमर, लॉयल्टी का मतलब आप किसी दुकान से लगातार सामान खरीदते हो,
तो मोदी कर कहता है अगर आप 6 महीने लगातार मोदी कर से सामान लाओगे, 7वें महीने घर का सामान फ्री मिलेगा, अगर आप 1 साल तक लाते हो तो 3 महीने का सामान फ्री मिलेगा। ये 7,000 तक की इसकी कैपिंग है। मान लेते कभी आपने 7,000 का कभी खरीदा, कभी 10,000 का, कभी 3,000 का, आपने 6 महीने में जितना सामान खरीदा 6 महीने का एवरेज निकलेगा, 7वें महीने फ्री मिलेगा, फिर अगले 6 महीने जो खरीदा 6 महीने का एवरेज फ्री मिलेगा, प्लस साल का एवरेज। कुल मिला के मैं अगर एग्जाम्पल दूं, आपके घर में 7,000 का एवरेज के 6 महीने सामान खरीदा तो 6 महीने बाद 7,000 का सामान फ्री मिलेगा, साल पुराने पे 14,000 का और मिलेगा, टोटल 21,000 तक की आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, ये फ्री प्रोडक्ट आपको मिल जाए। अब आपका घर का बजट कम है, आप 2,500 रुपये महीने का खरीद रहे हो तो 6 महीने बाद 2,500 का सामान फ्री मिलेगा, साल भर बाद 5,000 का मिलेगा, टोटल 7,500। अपनी परचेजिंग का 25% हमको यहाँ से बेनिफिट मिलता है लॉयल्टी के रूप में। फिर बात करते हैं एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये आता है सबसे पहले खाते में आने वाला पैसा, ये है अपनी खरीदारी पे हमें पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट से हमें 7 से 16% का एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के रूप पहला इनकम आती है। जैसे हम कोई पेड़ लगाए, शुरुआत में पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़ा होता है तो उसमें फल आने शुरू होते हैं, 8-10 फल आ गए। मान लेते सेब का पेड़ लगाया आपने, सेब के पेड़ में शुरुआत आपको बड़ा किया, 8-10 फल आने शुरू हो गए, इसका मतलब फल आता है। फिर क्या होगा, जब वो पेड़ बड़ा होगा तो कितने पैसे देगा, बहुत सारे फल देगा। ऐसे मोदी कर्मन जब पहली इनकम आती है आपके पास, जब हम खरीदारी करते हैं उसमें हम पॉइंट बनते हैं 7 से 16%, तो 7% मिनिमम कैशबैक आएगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपने 4,000 की खरीदारी करी, 2,000 पॉइंट बन गए, 50% कैलकुलेट करता हूं, तो 2,000 का 7% 140 रुपये खाते में आ गए। इस प्रकार हम खरीदारी करते रहेंगे, पॉइंट जुड़ते रहेंगे, जुड़ते हमारे पास जैसे 300 PB हो गए तो फिर 10% में आ गए, 1200 PB हो गया, 13% में आ गए, 2700 PB हो गया, 15%, 4000 PB हो गए, 16%। अब ये इसमें क्या होता है, हर महीने के पॉइंट जुड़ेंगे तो एक ना एक दिन आप शुरुआत 7 से करोगे, 16 में अपने आप पहुंच जाते हो। ठीक है, अपने आईडी पे परचेजिंग करते हुए इनकम लेने के लिए आपको 15 PB की परचेजिंग आपको करनी है, और डायरेक्टर से ऊपर जाते हैं 30 PB की। टेक्निकल टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रही थी, जो हमारे गेस्ट हैं जिसने आपको बुलाया उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआती अगर आपने पहले महीने के अंदर 240 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाता है तो आप फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट कहलाते हैं, जहां पर आपको कंपनी की तरफ से 750 रुपये के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। ये स्टार्टिंग के बाद हमारे पास बेनिफिट है। अब सिर्फ जितने भी नए लोग हैं एक चीज समझिए, सिर्फ दुकान बदलने से होने वाले फायदे क्या क्या है। आपको सबसे पहले क्या मिला था, 30% तक का डिस्काउंट मिला था। रिपर्चेज प्रोग्राम में आपने 10% का सामान फ्री लिया, उसके अलावा 7 से 16% आपने कैशबैक आपके पास आया, लॉयल्टी प्रोग्राम के रूप में साल में 3 महीने का सामान आपको फ्री मिला। टोटल बेनिफिट देखिए, डिस्काउंट पे 20% बचा लिया, फ्री प्रोडक्ट 10% के मिले, 25% लॉयल्टी बेनिफिट, खाते में 5% में पैसे में मान ले रहा हूँ, 60% तक की सेविंग है, 60% तक की बचत है सिर्फ दुकान बदलने मात्र से। ये हमारा पहला पड़ाव है। और ये सारे प्रॉफिट लेने के लिए या सारे बेनिफिट लेने, ना चेन बनाने की जरूरत है, ना मेंबर बनाने की जरूरत है, दुकान चेंज करिए, आपके पास ये सब कुछ आपके पास है। अब जब आप इतने बेनिफिट आप लेंगे तो क्या अकेले बेनिफिट लेंगे, औरों को भी देंगे? निश्चित रूप से हम अपने मामा चाचा दोस्त पड़ोसी सबको बताएंगे। जब आप उनको बताएंगे, अब वो भी खरीदारी करेंगे तो उनके पॉइंट भी आपके में जुड़ते हैं, तो सारे पॉइंट जुड़ते जुड़ते जिस दिन 4,000 पॉइंट, 4,000 PV का बिजनेस आपका हो जाता है टोटल मिला के जुड़ते, तो आप डायरेक्टर लेवल पे आते हैं। और यहां से फिर आपको डायरेक्टर बोनस के रूप में एक नई इनकम शुरू होती है और कंपनी के 4% के आप पार्टनर बनते हैं। तो डायरेक्टर कोई भी आदमी आता है जब 4,000 PV का बिजनेस टोटल हो जाता है, लेकिन अगर एक ही महीने में कोई यहाँ पर 3,200 GPV कर लेता है तो यहाँ पर फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर हो सकता है, और उसके लिए उस केस में 1 लाख का इंश्योरेंस उसको मिलेगा। अब ये सफर था डायरेक्टर तक का। अब आगे का काम होगा, हम डायरेक्टर बन गए, हम कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं मदद करने में, उसके हिसाब से हमारी इनकम बढ़ते चली जाएगी। इस चार्ट के अनुसार आप डायरेक्टर थे, आपको डायरेक्टर बोनस के रूप में 1 इनकम मिली, डायरेक्टर बोनस पूल में आ गए। फिर आपके नीचे एक आदमी डायरेक्ट, किसी को आपने सपोर्ट किया, सीनियर डायरेक्टर बन गए, 4 तरह की इनकम आपको आ गई। आज सबसे पहले आदमी सोचता है मैं सीनियर डायरेक्टर बन जाऊं सीधे, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, फिर आपके नीचे 3 लोग हो जाते हैं आपके जैसे डायरेक्टर, तो आपको यहाँ पर 5 तरह की इनकम खुल जाती है। ये सब आपको मिलने से इसके लेने के हकदार बन जाते हैं। फिर अगला पड़ाव होता है जब डायमंड डायरेक्टर होते हैं, कंपनी की सारी इनकम आपको मिलने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम पूरा कंपनी के सिस्टम को, पूरे पूरे पैसे को, पूरे जो कंपनी दे रही सब कुछ हम इंजॉय कर सकते हैं। तो मोदी केयर जो है आपको केवल हम कह सकते हैं इनकम ही नहीं, एक ड्रीम लाइफस्टाइल आपको देता है। पैसा तो देगा, पैसे के साथ लाइफस्टाइल मिलना जरूरी है। पैसा तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, कितने लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, कितने लोग लाइफ को जीते हैं, जिंदगी जीते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, 19 साल नौकरी करी थी, सपने पूरे नहीं हुए थे, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, देश विदेश की यात्रा, 6 फिगर इनकम मेरा ड्रीम था, नौकरी में संभव नहीं था, एक मौके ने लाइफ चेंज कर दी, मोदी करने जिंदगी बदल दी, डायरेक्ट सेलिंग ने जिंदगी बदल दी, आज 3 गाड़ियां यहां पर आ गई हैं, बाइक में नौकरी करते थे आज 3 गाड़ियां यहां से मिल गई,
दो घर बन गए, एक होम टाउन पे, एक हल्द्वानी के अंदर। तो 1.5 करोड़ का एक घर है, 50 लाख का एक घर है। ये सिस्टम बदलने से, इसके अलावा लाइफस्टाइल, पैसे के साथ साथ लाइफस्टाइल, आप देश घूमते हो, दुनिया घूमते हो, फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, यहाँ से मलेशिया, सिंगापुर, पेनांग, टर्की, दुबई, थाईलैंड, पताया, रॉयल कैरेबियन क्रूज, मॉस्को, ये सब घूम लिए, ये सब अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। अगर आपके भी सपने हैं, आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप भी मोदी केयर के थ्रू ये लाइफ चेंज कर सकते हो और लाइफ एंजॉय कर सकते हो। अभी आपके पास एक मौका है, मौका है जलवा 2023, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप भी फ्री में आप ये लाइफ एंजॉय कर सकते हो, ट्रिप कर सकते हो। तो जोसे दुबई और कौटल्या क्रूज, दो हमारे पास, जो लोग नए आते हैं उनके लिए हम बात करते हैं कौटल्या क्रूज की। एक ऐसा क्रूज, मैं क्रूज में गया हूँ, रॉयल कैरेबियन क्रूज एंजॉय किया है। ये अपने आप में इतना लग्जरी क्रूज होता है, जब इसके अंदर आप जाते हैं, आप अगर 2 दिन का फ्री ट्रिप आपको मिलेगा, 2 रात 3 दिन का, तो जो यहाँ की लाइफ होती है ना, वो अपने आप में अलग होती है, अलग दुनिया, पूरा शहर है अपने आप में, 1800 लोग एक बार में एक जा रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी अंदर होती है, कैसीनो से लेकर के, जो आप लाइफ एंजॉय करना चाहिए, पूरा शहर आपका बना हुआ है। तो ये क्रूज में आपको जाने का मौका मिलता है, कैसा होता है एक नजर मारते हैं। आप सोचिए, आप इसके अंदर घूम रहे हैं, ये आपके लिए बेडरूम लगा हुआ है, बेडरूम यहाँ पे मंजिल का स्विमिंग पूल है, इसको मौज मस्ती सब वहां पर चल रहा है, सुबह का मजा ले रहे हैं आप वहां पर। मई 2023 से दिसंबर तक ये टाइम है, 8 महीने का। इस 8 महीने के पीरियड में आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है, ये स्ट्रक्चर है, नीचे देखिए आप, अपनी 3000 बिजनेस वॉल्यूम खुद का करना है और 4 ग्रुप बनाने, ए बी सी डी, किसी भी ग्रुप में कितने भी लोग हो सकते हैं, उस ग्रुप से केवल 5000 5000 5000 वॉल्यूम अगर आपका हो जाता है, ये आपका पहला महीना क्वालिफाई हो गया, ठीक। ऐसे आपने 8 महीने का, तो 8 नहीं करना है, 8 में से कोई भी 5 महीना अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप इस क्रूज को एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल है, आपके पास 3 महीने का टाइम है टीम बिल्ड करने के लिए। अगर आपने इस टीम स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कंपनी ने टाइम दे दिया, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं दिया। अचानक से ट्रिप आता है, लिमिटेड लोग क्वालिफाई करते हैं। मोदी क्या कह रहा है भैया, समीर मोदी जी कह रहे हैं भैया आप टीम बना लो, 3 महीने टीम बना लो, टीम बनाने के बाद 5 महीने क्वालिफाई कर लो, आप भैया क्रूज में घूम लो, कितना शानदार मौका आपको मिला हुआ है। अब मई के लिए तो और भी कर दिया है, मई के लिए अर्ली बर्ड ऑफर है, जो लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, कंपनी कह रही भैया तुम एक काम करो, इतना ही काम कर लो अभी, कि 3000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पे कर लो, 2 टीम बनाओ, 5 5000 बिजनेस वॉल्यूम वहां से कर लो, तो क्या हो गया आपका। अगर हम यहाँ पर करें 100 पीवी की बंदे, अगर परचेजिंग एक आदमी नीचे, दो दो लोग 100 100 पीवी कर रहे हैं, तो भी हो जा रहा है ग्रुप में, दो ग्रुप में, तो इतना आसान है, कोई भी कर सकता है। मन में सिर्फ बात आनी चाहिए कि यस जिंदगी है तो जिया जाए, भाई क्यों खाली है, हम अभी तक मौका नहीं था, मौका मिला, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। उसके बाद अगला ट्रिप आता है वह दुबई का, तो जो से दुबई, दुबई का आपको मजा ले सकते हैं। ये ट्रिप है डायरेक्टर एंड अबव के लिए, क्राइटेरिया इसमें भी है, 8 महीने का समय आपको मिलेगा, दुबई घूम सकते हैं, दुबई एंजॉय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति, आप जो नया व्यक्ति जुड़ेगा वो भी दुबई जा सकता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्टर को क्वालिफाई करिए, फास्ट स्टार डायरेक्टर लोग कर लेते हैं। डायरेक्टर करने का मतलब एक आदमी लगभग 2 2.5 लाख रुपए का बिजनेस, पैसे में बात करें, अगर टीम वर्क हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर आप करते हैं इस चीज को, डायरेक्टर बनने के बाद भी आपके पास टाइम, आप 2 महीने में डायरेक्टर बनो, 3 महीने में बनो, 4 महीने में बनो, आप जब मर्जी डायरेक्टर बनो भैया। डायरेक्टर बनने के बाद आपने क्या करना है, टोटल 3,25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। 4 महीने लो, 2 महीने में करो, 1 महीने में कर लो, तो 3,25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने करना है डायरेक्टर बनने के बाद, ये टारगेट आपका है, ठीक है। अब मिनिमम टारगेट डायरेक्टर बनने के बाद, जो 1100 पीपी आप मेंटेन करते हो, वही 29,700 बिजनेस वॉल्यूम आपने मेंटेन करना है, मिनिमम मेंटेन इसके लिए है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो भी आपको 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं तो 2,75,000 वॉल्यूम करना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 2,50,000 करना है, प्लेटिनम है
2,30,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है 8 महीने के अंदर, और मिनिमम क्राइटेरिया आगे लिखा हुआ है। तो ये मौका हमारे पास है, और सबसे अच्छी बात है इस मौके में आगे बढ़ने के लिए, आपके कदम से कदम चलाने के लिए, हाथ पकड़ के आपको ले जाने के लिए हमारे बीच में है सक्सेस प्रिंसिपल मोदी कर, एक ट्रेनिंग सिस्टम जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाता है। इसके अलावा लीप प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये मीटिंग देख रहे हो, डॉक्टर सूर्य का भार्गव में उन्होंने बनाया है एक ही चीज सिखाने के लिए, आपको ले जाने के लिए। बस आपके मन में होना चाहिए मुझे करना है, तो भैया आप आगे बढ़ सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी 3 आंसर खुद से करने हैं, अगर मोदी केयर नहीं तो क्या। तो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, माहौल बना पड़ा है। आज तो कहते हैं ना बहते गंगा में उतर जाइए, वो माहौल अभी बना हुआ है। आज हम यहां पर काम करके कामयाब हो सकते हैं, इसकी गारंटी है। तो अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन, इफ नॉट यू देन हु, कौन करेगा? अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम करेंगे। आज मौका हम करके दिखाएंगे, अभी नहीं करेंगे कब करेंगे भैया? चलती चीजें, आज माहौल बनाया सब कुछ है, आज करने का वक्त है। हजारों मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है, तो पहला कदम बढ़ाते हैं और पहला कदम बढ़ा के एक शुरुआत करते हैं, और इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनके आगे अचीवमेंट लेते हैं, अपने साथ के लोगों को आगे लेके जाते हैं, और फिर मिलते हैं शुरुआत प्रोग्राम में। पहला कदम होता है कि आप अपनी शॉप चेंज करते हैं, मोदी का हिस्सा बनते हैं, फिर एक ट्रेनिंग अटेंड करते हैं जिसका नाम है शुरुआत। फिर आपको बताया जाए कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसा करना है, ए टू जेड आपको सिखाया जाता है। तो कैसे करेंगे कि टेंशन नहीं है, क्यों करेंगे आपने डिसाइड करना है, और अगर आपने क्यों करेंगे डिसाइड कर लिया तो कैसे करेंगे बताने के लिए कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, वो आपको रोड मैप दे रहे हैं कि पूरा का पूरा आपने कैसे करना है। तो ये था प्रेजेंटेशन, हमने देखा परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि सारा खेल प्रोडक्ट का है। तो हम 2 प्रोडक्ट के हम टेस्ट मनी देखेंगे, डेमो देखेंगे कि हमारे बीच में जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उस प्रोडक्ट के क्वालिटी क्या होती है। उसका लाइव डेमो के लिए मैं यहाँ पर बुलाऊंगा अजीत कुमार झा जी को। सर मैं अजीत सर को लोकेट नहीं कर पा रही हूँ। यस सर, विजिबल नाउ। पार्टिसिपेंट्स प्लीज हैंड रेज कर लें अपने। यस, गुड मोदी, गुड मॉर्निंग, गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर, एवरीवन, गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया स्लीप प्लेटफॉर्म पे एक बात करने का। सर मेरा नाम अजीत कुमार झा, मैं देहरादून शहर से हूँ, क्वालिफाइड डायरेक्टर हूँ। आज से कुछ समय पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने समझने का मौका मिला। आज जो मैं आप लोग को एक डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आजकल गर्मी का सीजन है, हम लोग सभी लोग डीओ यूज करते हैं अपने बॉडी पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे, ये मैंने 2 तस्वीर बनाई है। एक तरफ मैंने लिखा मार्केट का डीओ, दूसरी तरफ मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा हमारे जो मोदी केयर के डीओज आते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको मार्केट के जाने माने ब्रांड हैं, उन ब्रांड में से एक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये मैं जहाँ पे लिखा मैंने मार्केट डीओ, इसको मैं यहाँ पे कुछ स्प्रे कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ स्प्रे किया इधर, और दूसरी तरफ जो हमारे मोदी केयर का डेमो का ये जो मैंने चेहरा बनाया हुआ, इसमें मैं मोदी केयर के अपने डेमो, ये जो हमारा एसेंशियल का आता है, ये इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। आप इसका डिफरेंस देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि ये जहाँ पे मैंने लिखा है मार्केट का डीओ, ये किस तरह से टपक रहा है, यानी कि आगे मैं दिखाता हूँ। और इधर ये जो मैंने अपना जो मोदी केयर का डीओ यूज किया, इधर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ, आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे स्किन के कुछ लेयर्स होती हैं लगातार, उस लेयर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप यहाँ देखें, आप सेकंड पेज पे देखेंगे, इस पेज पे देखिए पूरी तरह से, ये सेकंड पेज पे देखें, ये बुरी तरह से भीग गया है, और इस पेज पे भी ये दाग दे रहे हैं, यानी सेकंड लेयर। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे इस तरह से, ये थर्ड लेयर पे भी अपना नुकसान कर रहा है। इधर देखें आप लगातार, और कई लेयर तक ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जबकि अगर मैं बात करूं मोदी केयर के जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के ये जो हमारा एसेंशियल का डीओ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी के अंदर आपकी स्किन के लेयर में नहीं जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी कंसल्टेंट से, सभी न्यू फ्रेंड से, कि अगर आप डीओ यूज करते हैं तो 100% अपने मोदी केयर के एसेंशियल का यूज करें। सर थैंक यू सर, बहुत बढ़िया डेमोस्ट्रेशन अभी आपने देखा। जनरली हम लोग डीओ लेके आते हैं, अल्कोहल बेस्ड डीओ होता है, केमिकल बेस्ड होता है, तो जब हम स्प्रे करते हैं बॉडी के अंदर तो नुकसान करता है। मोदी केयर का सेफ है और अल्कोहल फ्री है, तो आप बिल्कुल मस्ती से यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगला एक प्रोडक्ट का और देखते हैं, एक प्रोडक्ट का हम लोग देते हैं, रुचि जी के पास हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट डेमो के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रुचि गोविल है, मैं कुर्जा से बिलोंग करती हूँ, मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर हूँ, और आज मैं फ्रेंड्स आपको ग्रीन टी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ये हमारा, अज्यूम करिए मैं आपको एक सिम्बॉलिक डेमो दे रही हूँ, ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं, और इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हमने इसको गंदा कर लिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉडी के सेल्स हमारे गंदे हो जाते हैं अगर हम कुछ भी उल्टा सीधा खाते पीते हैं, तो ये हमारे बॉडी के सेल्स है। फिर हमसे कहा जाता है आप खूब पानी पीजिए, आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना आपके पेट की गंदगी साफ होगी,
तो ये देखिए मैंने पानी भी पी लिया है और फिर हमने एक बार पानी और पिया, ये देखिए ऐसे तेज है, फिर हमने एक बार पानी और पिया, तो उसके बावजूद भी हमारे पेट के जो सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अभी भी ऐसे तेज हैं, ये इस तरह के हैं। और अब हम पियेंगे अपना ग्रीन टी, ये हमने ग्रीन टी ले लिया है। ये देखिए ग्रीन टी पीने से, ग्रीन टी पीने से, एक बार ग्रीन टी पीने से ही हमारे सेल्स की कितनी अच्छे से रिपेयरिंग हुई है, या हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये पूरी तरह से खत्म करता है, हमारी स्किन पे ग्लो लेकर के आता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचि मैम इस शानदार डेमोस्ट्रेशन पे। दोस्तों हमने प्रोडक्ट में डेमोस्ट्रेशन में क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हम लाते हैं अगर उस प्रोडक्ट में क्वालिटी भी अगर आपको मिल रही है और जो आपका पैसा है ना, पैसा वर्थ है, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी वसूली है, और इतने सारे बेनिफिट के साथ ये क्वालिटी अगर मिले तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, अपनी शॉप चेंज करना चाहेगा और अच्छे प्रोडक्ट लाना चाहेगा और इतने सारे बेनिफिट हमें मिले। तो हमने बेनिफिट देखे, उसके बेनिफिट देखे और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हमने देखी। अब हम बात करते हैं कुछ सक्सेस स्टोरी की। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर जब हम आते हैं तो आने के बाद शुरुआत तो दुकान बदलने से होती है, उसके बाद हम प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा लगता नहीं है, लोगों को इसके बारे में बताते हैं और पावर कंपाउंडिंग काम करता है और बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। तो इस लीप प्लेटफॉर्म को देने के लिए, यानी जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, देने के लिए एक 1 करोड़ तक का जो रास्ता बना रखा है वहां तक पहुंचने के लिए जो एक हैंड होल्डिंग कर रहे हैं हम लोगों की, ठीक है, हमको बता रहे हैं कि आप कैसे 1 करोड़ पहुंच सकते हैं। हम जो कोई हमें 1 करोड़ का रास्ता बता रहा है उसका 1% भी अगर हम पहुंच गए तो 1 लाख रुपए महीना होता है। तो जिस इस मुहिम पे कि लोगों को कैसे भी ऊपर तक लेके आया जाए, उसके लिए आज के टाइम पे जितना मेहनत करते हुए लोगों को आगे बढ़ाने के बड़े सपने के साथ हमारे बीच में हैं और एक लीप प्लेटफॉर्म बनाया, क्रिएट किया कि लोग आए और यहाँ पर सीखें और अपने सपने पूरे करें। हम सब की गुरु माँ और डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, उनको यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा उस सक्सेस स्टोरी के लिए। और आज इस प्लेटफॉर्म पे जो लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं उनके में उनका जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का। थैंक यू सो वेरी मच नवीन जी, एंड व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैं सारे ही प्रेजेंटर्स के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने अनुभव किया है 19 साल की कॉर्पोरेट लाइफ के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म मिला और इस प्लेटफॉर्म पे आपने, है ना, इसको समझा। सबसे बड़ी बात की समझ में आई, वो सद्बुद्धि भी ना किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो सिर्फ इतना ही मानती हूँ कि सही समय पर सद्बुद्धि आ जाए वही बस किस्मत कहलाती है, और वो सद्बुद्धि आप में आई, आपने इस बिजनेस को शुरू किया, आज आप इतने सक्सेसफुल हैं। और मैं ममता जी से बड़ी इंस्पायर हुई, अभी अभी थाईलैंड से लौटी हैं और 1000 वॉट का बल्ब उनके चेहरे पर चमक रहा है, वो जो खुशी जो एक विदेश यात्रा करके मिलती है वो पूरी तरह से वो एक्सप्रेस कर पाई। मैं अपने दोनों प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेटर हैं, आप दोनों के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे एक्शन करते हैं, बेबी स्टेप्स लेते हैं और बहुत बड़ी सफलता हम पा सकते हैं, ये ही आप सबने मिलकर के प्रूव किया है। जितने भी गेस्ट हैं मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारे परिवार में आप सबका स्वागत है। और बस सिंपल सा बिजनेस है, कहने को बहुत सिंपल है बट बहुत डायनेमिक है, बहुत ग्रेट है। आज आपको इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी भी देखने को मिली होगी कि भैया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, घर से होता है, कोई सपोर्ट करेगा, कोई सिखाएगा, ये हमारी बिजनेस की सादगी है। पर कहते हैं ना कि हमारी शराफत को हल्के में नहीं लिया जाए, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बार बार ये कहती है कि हमारी सादगी को हल्के में नहीं लिया जाए। हम एक तरफ सिंपल हैं पर दूसरी तरफ बहुत डायनेमिक हैं, सारे सपने अंडर वन रूफ हम आपको पूरे करके देने का मौका देते हैं, और बस आपको खुद के सपने खुद देखने होते हैं, वो देखने में भी हम मदद करते हैं, उसको देखने का सही तरीका भी हम सिखाते हैं, और फिर बस सफलता मिलती चली जाती है। यही मेरे साथ हुआ, मैंने भी एक, जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी, हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। पापा ने कह दिया था बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कराने के सिवा हम तुम्हें और कुछ नहीं करा पाएंगे, हमारे पास लाखों रुपया नहीं है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, कोई नौकरी तुम्हें ढूंढनी होगी। तो मैंने एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर करी, पीएचडी शुरू हुई, फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण भार्गव जी ढूंढ करके मेरी उनसे शादी कर दी गई। शादी होकर घर आई तो नो डाउट मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, पर हस्बैंड एक स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, स्कूटर था उनके पास, सुबह 7:30 बजे जाने का टाइम फिक्स था, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, और आते थे लोगों की करोड़ों रुपए की फाइल लेकर के आते थे पर खुद के फ्रस्ट्रेशन भी साथ लेकर के आते थे, और वो स्ट्रगल उनकी रातों की नींद में दिखता था,
ढंग से नींद नहीं आती थी, सुबह जल्दी उठना ही होता था, मुझे लग रहा था कि ये बहुत परेशान है। मैं सोचती थी मैं इनकी क्या मदद करूं, पर बस वो नई नई शादी हुई, सिर पे मेरे घूंघट था, एक हिंदी भाषा मुझे आती थी, थोड़ा दिल्ली शहर ने मुझे डराया भी बहुत, धीमे धीमे मेरा आत्मविश्वास खत्म होता चला गया। एक पढ़ी लिखी लड़की को भी अगर घर बैठा दो ना तो वो आत्मविश्वास उसका खत्म करने के लिए काफी होता है, वही मेरे साथ हुआ। पर बस है ना, बच्चा जल्दी हो गया तो उसमें बिजी हो गई, फिर बस ऐसा नहीं है कि मैं उस पीरियड में खुश नहीं थी, पर कुछ था जो कमी थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं चलने वाला है, लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं चलने वाला है, सुरेखा भार्गव तेरा नंबर आएगा, कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदलाव आएगा। और बस वो ही है परिवर्तन मेरी जिंदगी में आया, मोदी केयर मेरी लाइफ में आया और पता चला भैया खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, बड़े से बड़े सपने जो देख लोगे वो पूरे हो जाएंगे। और मैंने तब इंडिया की तो सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, पर इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज जो देखी थी सुनी थी लोगों के, नोबेल प्राइज विनर्स के पास ये बिजनेस था, नोबेल प्राइज विनर्स इस बिजनेस को सीरियसली करते थे, लोगों ने अपनी 13-13, 14-14 मंजिल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी और क्या नहीं किया था इस बिजनेस से, लोगों के अपने खुद के प्लेन थे, खुद के शिप थे, तो बस उतनी फोटोग्राफ जो देखने को मिली थी वो काफी थी। और बस मन कर गया कि भैया हमारे हिंदुस्तान में कौन से लोगों की कमी है, और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, और हमारे हम सबकी नाक इतनी ऊंची है कि दूसरे देशों में जाकर के भेज करके अपने बेटे को भले ही न्यूज़पेपर डलवा देंगे, मैकडॉनल्ड में काम करवा देंगे, यहाँ हमारे को छोटा बड़ा काम समझ में आता है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। और भैया इस बिजनेस के थ्रू हम अपॉर्चुनिटी जब देंगे तो फिर हमारा हाथ तो ऐसा हो गया ना, हम तो मोनोपोली में आ गए, पैसा कमाने का जो मौका दे उससे बड़ा तो इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। बस जी हमने दिल लगा के काम किया, शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं मिले, सीखना पड़ा, पर जैसे जैसे सीखते चले गए अब तो बहुत देखो आसान है, अब ये घर बैठे ऑनलाइन सेशन हो जाता है, व्हाट्सएप पर वीडियोस आ जाती हैं, अब बहुत आसान हो गया। तब एक एक मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने अपने घर से 35 किलोमीटर दूर जाया करते थे, थोड़ा सा सीखने में टाइम लगा, भरोसा करने में टाइम लगा, पर आज की तारीख में मैं बता सकती हूँ 25 करोड़ प्लस का तो मेरा चेक भी इस बिजनेस से आया है। हर महीने जिसको कहो ना कि मेरी नहीं, लाखों लोग हैं ऐसे जिनके चेक्स आ रहे हैं, गाड़ियां मतलब हर दिन करीबन 5-7 गाड़ी मोदी केयर फ्री दे रहा है, हर हफ्ते कोई ना कोई एक नया घर जो है वो व्हाट्सएप पर आ जाता है कि इस बिजनेस से लिया है, हर साल लगभग 5-7 हजार लोग घूमने के लिए मोदी केयर ले जाता है, अभी भी थाईलैंड पे 600-600 लोगों का बैच चल रहा है और वो होटल पूरे महीने के लिए बुक कंपनी ने कर रखा है, तो वो खत्म नहीं हुआ था ट्रिप, उससे पहले ये दुबई और क्रूज मुंबई से जो चलता है 2-2 ट्रिप कंपनी ने दे दिए हैं। तो एक तरफ बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान है, दूसरी तरफ बहुत अच्छे प्रमोशंस एंड ऑफर्स हैं, पूरी मदद मिलती है। दोस्तों बस मैंने इस बिजनेस को सीरियसली लिया तो आज यहाँ पहुंची हूँ, आप इस बिजनेस को सीरियसली लेंगे तरक्की तो आपकी भी कहीं रुकेगी नहीं, अच्छा बुरा सब वक्त इस बिजनेस ने ना निकाल दिया। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ, 2016 तक न बोल सकते थे, न चल सकते थे, न करवट अपने आप बदल सकते थे, पर क्योंकि करके लेटे थे तो एक दिन भी ना मेरे को ऐसे हाथ बला के किसी से मांगना नहीं पड़ा। अगर सोचो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और हमने ये बिजनेस नहीं किया होता और उनको कुछ हो गया होता, क्या मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसा होता, क्या मेरे पास उनकी सेवा करने के लिए सुख सुविधा जुटती, नहीं, ये रॉयल्टी इनकम पे काम कर लिया था। 2011 तक तो मैंने कुछ 5-6 साल तो कोई एक्शन भी नहीं किया था, तब भी हर महीने घर पे चेक आ जाया करता था, क्योंकि हम इस बिजनेस को करके पैसिव इनकम एंजॉय कर पाते हैं। दोस्तों इट्स अमेजिंग, सारे सपने पूरे होते हैं। मुझे याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो किसी ने कहा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो। मैं कहने लगी हस्बैंड को मर्सिडीज कार दूंगी, बेटे की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, मैं हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में आऊंगी। जब फेंकनी है तो फिर लंबी लंबी फेंको, ये सोच करके बस फेंका, पर जब फेंका ना तो अच्छा लगा। ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो सचमुच बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर आया तो, दोस्तों वो जब पॉजिटिव तो में आप लग जाते हो ना, उसी का ये जादू था। हस्बैंड को मर्सिडीज कार भी गिफ्ट करी, तो अभी जब 11 मार्च को बेटे की शादी हुई तो वही हेलीकॉप्टर था, वही दूल्हा दुल्हन उसमें से आए, जब उन दोनों के पैर धरती पर पड़े ना तो मेरे पांव जमीन पर नहीं थे, मैं ऐसे गोल 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 नाच रही थी कि मतलब मोदी केयर है तो सब संभव है, ये खाली मेरे लिए ही नहीं था। वो जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था ना तो कहते हैं एक सपना पूरा होता है ना तो सैकड़ों सपनों के लिए, लाखों सपनों के लिए पाइपलाइन खोल देता है, रास्ता खोल देता है। जब वो एक सपना पूरा हो रहा था, मेरा कायनात पे भरोसा बढ़ रहा था, मेरा हर मोदी केयर पे, मेरा हर सपने देखने वाले पे भरोसा बढ़ रहा था, और मोदी केयर पे तो जो भरोसा है ना वो अटूट हो गया था। यहाँ जो भी चाहो, बड़े से बड़ा कुछ चाहो, मैंने जब चाहना शुरू किया था 100 रुपए का चेक नहीं आता था, और ये बड़े से बड़ा सपना लगातार क्योंकि चाहती रही, बोलती रही, छोटे छोटे एक्शन जो सिखाए गए करती रही, तो दोस्तों वो हेलीकॉप्टर का भी सपना पूरा हुआ, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी मेरा अगला ड्रीम जो है वो है मुझे 5,000 लोग चाहिए, 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, एक ही स्टेडियम में मोदी करके एक साथ बैठे हुए,
मैं इस सपने पर काम कर रही हूँ और इसीलिए मैं हर दिन काम कर रही हूँ। अब इतना पैसा मेरे पास तो है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी शौक के लिए, मेरे किसी भी सपने के लिए मुझे पैसे की अब जिंदगी में कोई कमी पड़ेगी। पर अगर अब ये ठान लिए कि 5,000 लोगों के पास 10-10 लाख रुपए महीने का चेक आना चाहिए, तो फिर कायनात का तो हमें पता ही है, मोदी केयर का तो हमें पता ही है। मैं 5,000 लोग ढूंढ रही हूँ, आप डिसाइड कीजिए क्या आप उन 5,000 में से एक हैं, या उन 5,000 में आप अपनी टीम से भी 50-100 लोग लेकर के आना चाहते हैं। फैसला आपका होगा, इरादे आपके होंगे, मदद हमारी होगी, मिलकर के जो चाहेंगे वो कर जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सबको, आपके सुनहरे भविष्य की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज की अगर हम बात करें, जो रास्ता आपने बनाया, हम कहते हैं बिजनेस का सीक्रेट की बातें करते हैं। एक आदमी अगर मान लेते हैं कोई कारोबार कर रहा है, वो 1,00,000 रुपए महीने भी कमाता है, अपने सगे भतीजे को मामा भांजा के उसे नहीं सिखाता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,00,000 रुपए से ऊपर की इनकम लेने वाला व्यक्ति हाथ पकड़ के कह रहा है कि चलो हमारे साथ चलो। तो एक जब ऐसा लीप प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि जो उनका 25-27 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव को हमको दे रही है कि यस ये मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप भी आगे बढ़ो, और आपके इस प्रयास के लिए मैं सत नमन करता हूँ मैम। और थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, आप सबके सहयोग से ये सब संभव है सर, अकेला कुछ नहीं होता, पर हाँ सपना देखो तो साथ देने वाले लोग मिलते चले जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। चले इसी कड़ी में हम आगे मिलते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए लोग एक करियर चुनते हैं कैसे भी, आदमी कोई आईटी सेक्टर चुनता है, कोई अलग अलग जाता है, तो लोग आजकल जो है आईटी सेक्टर में ज्यादा लोग जाते हैं कि ठीक है अच्छा पैसा मिलता है। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो आईटी प्रोफेशनल है और ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर मोदी कर के अंदर है, और सक्सेसफुली बिजनेस को रन ही नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को साथ में अचीवमेंट को लेके आ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर पूजा चोपड़ा मैम को। पूजा मैम आपका स्वागत है। पूजा मैम क्या नेटवर्क इशू है, अभी थे लॉकआउट हो गए शायद, तब तक मैं कनेक्ट करती हूँ, आप नेक्स्ट कॉल कर लें प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बुलाते हैं। कई लोग को लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब हमें मिल गई है, लगता है ना नौकरी मिल गई तो सबसे पहले क्या होता है, आदमी सरकारी नौकरी मिल जाए, क्या आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आदमी तसल्ली मदद चल रहा, ठीक है जीवन यापन हो जाएगा, ठीक ठाक चल जाएगा हमारा। लेकिन जो ड्रीमर होते हैं ना वो वहां संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या करते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना उसको ग्रैब किया जाए। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े ग्लोबल रेड डायमंड एक्टर हमारी अचला मनीष त्रिपाठी मैम को। अचला मैम आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू नवीन सर। और फ्रेंड्स जैसा कि आज आपने देखा कि परिवर्तन लाइफ में बहुत जरूरी है, हमारे प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स के डेमो देखे, लेकिन उसके पीछे जो सक्सेस है ना वो दिल से चाहने वाले लोगों को मिलती है, जिनके सपने जिंदा होते हैं उन लोगों को मिलती है फ्रेंड्स। और जहां तक मैं अपने जॉब की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब काफी टाइम से कर रही थी मोदी केयर से पहले और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स जॉब में जिस तरह से किसी प्रोडक्ट्स के आइटम्स के ऊपर टैग लगा हुआ होता है ना, उसी तरह से आपके गले में एक टैग लग जाता है और आपकी एक लिमिटेड इनकम हो जाती है, चाहे वो इनकम मतलब एक इनकम फिक्स होती है, आप अपने सपनों के लिए उस जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ जरूरतें वहां पूरी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यही हमारे साथ हुआ, सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, बहुत स्ट्रगल करते रहते थे उन सपनों को पूरा करने के लिए। हस्बैंड के बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस थे, मनीष जी के साथ मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत की फ्रेंड्स, और जब इस बिजनेस को दिल से चाहा, अपने सपनों को पूरा करने का कोई प्लेटफॉर्म नजर आने लगा, सुरेखा दीदी को देख कर विश्वास होने लगा, तो फ्रेंड्स ये कहानी बहुत बड़ी हो गई और मोदी केयर ने हमें नाम मान सम्मान प्यार बहुत बड़ा दिया, अचला मनीष त्रिपाठी के नाम से जाने लगे फ्रेंड्स। इस मोदी केयर की वजह से जहां बच्चे छोटे छोटे खिलौनों से खेला करते थे, आज दोनों बेटों के सामने 9 नई गाड़ियां हम मोदी केयर से ले चुके हैं फ्रेंड्स। क्या ये आपने किसी गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान को लेते देखा, और एक लग्जरी कार जैगुआर XF 78 लाख की फ्रेंड्स। वही मेरे हस्बैंड को बहुत घूमने के बहुत शौकीन है, जब से मोदी केयर को ज्वाइन किया तब से न जाने कितने फॉरेन ट्रिप्स समीर मोदी जी के मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने, इंडिया में ही नहीं बाहर भी हमने रशिया बैंकॉक थाईलैंड पटाया, मैं अगर नाम लूंगी ना दुबई लंदन सिंगापुर मलेशिया
और फैमिली के साथ में भी, मेरी पूरी फैमिली के साथ। आपने कभी किसी लेडी को अपने पेरेंट्स के साथ में फॉरेन ट्रिप पे अपनी खुद की वजह से जाते नहीं देखा होगा। फ्रेंड्स, मेरे खुद के पेरेंट्स रॉयल कैरेबियन क्रूज पर हमारे साथ थे, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, बच्चे और प्यारी प्यारी मोदी केयर की टीम के साथ हमने रॉयल कैरेबियन क्रूज को भी अचीव किया। फ्रेंड्स, वहीं पैसिव इनकम की बात करें जो भी आपको बार बार दिखाई जा रही थी, जब तक हम किसी जॉब में होते हैं वो एक्टिव इनकम होती है, और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में जब आप रिटायर हो जाते हैं आपकी जरूरतें बढ़ जाती हैं, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपका स्वास्थ्य डाउन होता है, लेकिन पैसे रिटायर होने के बाद में आधे हो जाते हैं, आपकी जरूरतें भी पूरी होनी बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, वही मोदी केयर आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे कमिटेड होते जाते हो, आपकी इनकम को बढ़ाता जाता है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कलेक्टर का बेटा कभी कलेक्टर नहीं होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, लेकिन एक सच्चे मोदी केयरियन का बेटा अगर वो दिल से मोदी केयर की नींव खड़ी कर देता है तो सच्चे मोदी केरियन का ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बच्चा भी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर ही होता है। उसी पैसिव इनकम के लिए मैं इस बिजनेस को दिल से चाहती हूँ, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, अभी जलवा प्रोग्राम चला है, अपनी फैमिली को क्रूज पर लेकर जाइए, अभी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, अपने सपनों को पूरा कीजिए, पैसिव इनकम की तरफ जाइए, और कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद में भी लोग आपको याद रखें। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वाओ, अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच इस शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि आज कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको याद करें। और नौकरी में अक्सर होता है कि नौकरी में एक माइंडसेट होता है आदमी का कि भाई ठीक है, मेरे लिए रोजी रोटी चल रही है, महीने में तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग जो ड्रीमर होते हैं आगे निकल जाते हैं, उनमें से आप भी हैं। तो शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम आगे बुलाने जा रहे हैं हमारे बीच में एक आईटी प्रोफेशनल। तो एक आदमी का ड्रीम जॉब भी होता है वहां पर कि मैं वहां चले जाऊँ, इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम करूँ, बढ़िया कंपनी में काम करूँ, सोचता है एक आदमी। लेकिन एक आदमी वहां पर जाने के बाद भी बड़े सपने देखता है कि मैं यहीं पर के लिए छोड़ी बनाऊं, तो मुझे क्यों नहीं 5 लाख आ जाए, क्यों ना मुझे 10 लाख आए, क्यों ना बड़े सपने। ऐसे सपनों के साथ वो मोदी केयर में आते हैं और मोदी केयर के अंदर छा जाते हैं। ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हमारे बीच मुनीश चोपड़ा जी हमारे बीच में, तो वेलकम करते हैं। मुनीश सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच नवीन जी फॉर इन्वाइटिंग मी। सो दोस्तों नमस्कार, एज इंट्रोड्यूस, नाम मुनीश चोपड़ा, पेशे से मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूं, और इस बिजनेस से पहले मैं हिंदुस्तान की एक लीडिंग कंपनी इंफोसिस वहां पे जॉब करता था एज ए सीनियर कंसल्टेंट। जॉब बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन सपने बड़े बड़े थे, और मैं शुरू से बहुत ओपन माइंडेड था, जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता था, हमेशा फ्री बर्ड रहना चाहता था, घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता था, नए नए लोगों के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता था, और बढ़िया घर बढ़िया गाड़ियां मुझे बहुत पसंद थी, जो कि मेरे करंट प्रोफेशन से पूरा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ सर्च करना शुरू किया, अचानक एक दोस्त ने मुझे 9 साल पहले कॉल की दोस्तों, और एक मीटिंग के अंदर इनवाइट किया। जब मैं उस मीटिंग के अंदर गया तो मैंने देखा वहां पर हर प्रोफेशन के लोग कामयाब थे, तो मुझे लगा यार अगर इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं हो जाऊंगा कामयाब। उस विश्वास के चलते मैंने बिजनेस को शुरू किया, और जैसे बिजनेस को शुरू किया हमारी गुरु मां सुरेखा जी को गुरु धारा, और जैसे जैसे उन्होंने सिखाया हमने करना शुरू किया। रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, 9 साल के अंदर अंदर केटन, स्कोडा, जैगुआर, फॉर्च्यूनर, थार जैसी मैंने गाड़ियां ली। मेरे वाइफ ब्यूटीफुल पूजा चोपड़ा जी, वो भी आज इसी मीटिंग में मेरे साथ वो भी आएंगे, डिफरेंट लोकेशन से, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, वो डिजिटली काम कर रहे हैं घर से। तो दोस्तों मैंने और पूजा जी ने काम करना शुरू किया दोस्तों, 5 गाड़ियां ली, किराए के घर पे रहते थे, एक नहीं दोस्तों एक ड्रीम विला ली अमृतसर के अंदर होली सिटी, जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा, सुदेश लारी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, वहीं पर ही दोस्तों मोदी केयर का विला लिया, हमारे घर के बाहर लिखा हुआ मोदी केयर दोस्तों, राइट। फिर घूमने फिरने का शौक था, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ट्रेवल की, बहुत सारे लोग टीम में जिन्होंने कारें ली, घर लिए। मुझे अभी भी याद है मैं और पूजा जी स्कूटी पे जाते थे, लाल रंग की स्कूटी होती थी, इस बिजनेस से पहले को लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, लाल रंग की स्कूटी पे होम मीटिंग किया करने जाते थे, बेटा साथ में होता था, डेमोक्रेट साथ में होती थी, तो मैं पूजा को बोला करता था, मैं पूजा एक दिन देखना यार ये लाल रंग की स्कूटी लाल रंग की जैगुआर में बदल जाएगी दोस्तों। हुआ क्या, वो दिन आ गया दोस्तों, वैलेंटाइन वाला दिन था कोविड से पहले, पूजा जी ने लाल रंग की स्कूटी से लाल रंग की जैगुआर ले ली। कोई टाइम था, मेरी बेटी की फीस नहीं मुझसे मेरे से दी गई थी, 3-4 महीने लेट हो गई थी दोस्तों, वही बेटी जिस दिन यूनिवर्सिटी गई थी पहले दिन उसको मैंने 18 लाख रुपए की ब्रांड न्यू
थारगढ़ी सरप्राइज गिफ्ट की थी दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, मोदी केयर ने एक सेलिब्रिटी बना दिया है दोस्तों। मोदी केयर ने नेशनल लेवल पे इतनी रिस्पेक्ट दी, मैं बता नहीं सकता। एबीपी न्यूज पे हमारा एक प्रोग्राम आया, मैं आजाद हूँ, वहां पर समीर मोदी जी की बदौलत, वहां पर रेखा मैम की बदौलत हमें बोलने का मौका मिला दोस्तों। बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका मिला। अभी फ्यू डेज बैक हमारी एक बुक लॉन्च हुई, अमेजोन बेस्ट सेलर बन गई 24 घंटे के अंदर अंदर। तो थैंक यू सो वेरी मच, इतना प्यार मिला दोस्तों मैं बता नहीं सकता। मेरे खून का एक एक कतरा दोस्तों मोदी केयर का कर्जदार है। 7 समुद्रों की शाही और मेरे शरीर के कलम भी बना दी जाए ना, तब भी मैं तारीफ लिखनी शुरू करूंगा अपनी अपलाइन की और मोदी केयर की, शायद वो भी शब्द कम पड़ जाएंगे दोस्तों। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने पिछले जन्म के अंदर कोई मोती दान किए थे जो भगवान ने मोदी केयर दे दी। रोज कई सालों से रोज रात को सोते हुए और सुबह उठते ही दोस्तों सबसे पहले भगवान के बाद मैं समीर मोदी जी का शुक्राना करता हूँ, सुरेखा जी का शुक्राना करता हूँ, कंपनी मैनेजमेंट का शुक्राना करता हूँ और अपनी पूरी टीम का शुक्राना करता हूँ जिनकी बदौलत मोदी का बिजनेस हमें मिला दोस्तों और लाखों रुपए एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों आपको, जो आपका आज है ये मेरा और पूजा का बीता हुआ कल है और जो हमारा आज है ये आपका आने वाला कल हो सकता है। लास्ट में दोस्तों जो कंपनी ने क्रूज और दुबई निकाला ना दोस्तों, बस उस पे लग जाओ और कुछ नहीं है दोस्तों। मैं पिछले 3 दिन के अंदर अंदर पर्सनली बताऊंगा, अभी भी मैं फील्ड के अंदर हूँ, 15 ज्वाइनिंग मैं खुद कर चुका हूँ दोस्तों, 15 ज्वाइनिंग राइट। अब करना क्या है, मैं एक छोटी सी टिप दूंगा आपको। देखो हरकत में बरकत है, काम तो करना पड़ेगा, काम के सिवा कोई नहीं है, लेकिन जहां पर पॉजिटिव रहना है, एक रियलिटी बाहर है एक रियलिटी अंदर है, ये जो अंदर वाली रियलिटी है ना, दिमाग के अंदर वाली रियलिटी, इसको सेट कर लो। रोज रात को सोने से पहले जस्ट क्या करना है, जिन लोगों ने आपके साथ क्रूज पे जाना है, जिनको आप चाहते हो जाए, रात को सोते हुए वो विजुलाइज करके सोना बिल्कुल हैप्पी फीलिंग के साथ, भी आप उस क्रूज के अंदर जो कॉर्डिला क्रूज जा रहा ना, वहां पर अपनी टीम के साथ वो चेहरे लेकर आने हैं, स्विमिंग पूल के अंदर आप स्विमिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, उन लोगों के साथ आपने अपने आप को विजुलाइज करना दोस्तों। और जो दुबई जा रहे हैं वही विजुलाइज करना है, जो वहां पर बहुत बड़ा एक टावर है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े फाउंटेन है, वहां पर डेजर्ट सफारी है, वहां पर उन लोगों के साथ एंजॉय करते हुए जो फोटो है ना वो विजुलाइज करनी, वो वीडियो आपने विजुलाइज करनी है पहले, वो म्यूजिक जो वहां पर चलेगा, जिस म्यूजिक के ऊपर आपने वहां डांस करना अपने लोगों के साथ, वो सीन विजुलाइज करने है और भगवान का शुक्राना करके सो जाना। देखना चमत्कार होंगे दोस्तों, अगर हरकत करोगे विद पॉजिटिव विजुलाइजेशन विद पॉजिटिव फीलिंग, डेफिनेटली दोस्तों आप भी क्रूज पे जाओगे, दुबई जाओगे, आपकी टीम भी जाओगी। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। वाओ वाओ फैंटास्टिक मनीष, थैंक यू मैम, रोंगटे खड़े करने वाला शेयरिंग आपका था और बिल्कुल रियलिटी इसके अंदर है सर, और ग्रेटिट्यूड कोई आपसे सीखे बिल्कुल। तो कैसे हम लोग, नवीन जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी सर जी, मैं व्हाट अ ग्रेट शेयरिंग, अचला जी और मुनीश जी ने जो शेयरिंग करी है वो कमाल की है, मतलब मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए आज, इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है अगर अभी मुझे, मतलब अगला जन्म भी लेके उसका अगला जन्म भी लेके उसका अगला जन्म भी लेकर के अगर मुझे है ना मोदी केयर करने को मिले ना, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। इन दोनों ग्रेट लीडर्स के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहूंगी और मुनीश आपको आपकी नई बुक के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आप जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना मानव जाति के लिए, उसके सपनों के लिए, वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। जब हम लोगों की जिंदगी में ऐड करते हैं वैल्यू, तो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, जोरदार ताली मनीष तुम्हारे लिए, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बुक। थैंक यू मैम, और मेरे आयरन लेडी पूजा जी भी Zoom पे हैं, वो दूसरी लोकेशन पे हैं। अच्छा ठीक है, उनको ऐड करते हैं, रचना उन्हें ऐड कर लो। नवीन जी पूजा जी से बात कीजिए। चलिए आगे हम मुलाकात करते हैं पूजा मैम से, जो खुद भी आईटी प्रोफेशनल हैं और मुनीश जी पूजा जी मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और शानदार तरीके से लीड कर रहे हैं। तो पूजा जी का वेलकम करते हैं और उनकी शेयरिंग लेते हैं। सॉरी शॉर्ट शेयरिंग हम मैम की भी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा चोपड़ा है और मोदी केयर को मुनीश जी के साथ मिलकर बिल्ड कर रही हूँ। 8 साल हो गए हैं मोदी केयर में और ऐसे लगता है कि जिंदगी एक ब्लेसिंग की तरह है, जिंदगी सेलिब्रेशन हो गई है। जब शुरू किया था तो स्कूटी चलाती थी, अभी जैगुआर चलाती हूँ और जिंदगी बढ़िया हो गई है। अभी तो नया जो जलवा आ गया उसके लिए हम एक्साइटेड हैं। मुनीश जी ने अभी बताया आपको वो कितने एक्साइटेड थे इस बिजनेस को लेके, और मैंने तो दिल्ली तक नहीं देखा था इस बिजनेस से। मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल की और
पैसा भी आ गया, अच्छे अच्छे घर बन गए, क्योंकि जब शुरू किया था तो एक भी घर नहीं था, किराए के घर पे थे, अभी 3 घर बना लिए हैं, बच्चे अच्छे स्कूल्स में हैं, और ऐसे लगता है कि हमें एक पर्पस मिल गया है लाइफ में, कुछ जीने का एक मकसद मिल गया है, क्योंकि अपने लिए तो सारे करते हैं, मगर मोदी केयर में आके ऐसे लगा है हमारे घर तो दिया जलता है, मगर हमारे साथ हमारी जो हम लोगों की होप जगा के जिनको लेके आते हैं, जब उनके घर में दिए जलते हैं, जब उनके घर में रोटी आती है, जब उनके बच्चों की एजुकेशन बढ़िया होती है, तो एक सुकून सा आता है। हमें जो पर्पस दिया है ना मोदी केयर ने, वो उसके लिए हम शुक्र गुजार हैं, और ऐसे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही है। और जो मैम ने अभी सुरेखा जी ने बताया था कि उनके बेटे की जो वेडिंग थी, हम भी उसके आई विटनेस है, और वहां से हम भी एक बड़ा ड्रीम लेके आए हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी जब हमारे बच्चों की शादियां होगी तो कितनी बढ़िया हो सकती हैं, अभी और कितना कुछ लिया जा सकता है। और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे एक हर कॉमन जो इंडियन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिसने आज भी शुरू किया है, अगर उसके सपने हैं और वो आगे बढ़ना चाहता है, और जो जो जिसके हाथ काम करते हैं, दिमाग काम करता है, वो इसमें कामयाब हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक, वाओ वाओ। चलिए, पूजा मैम की शेयरिंग के बाद तो चीजें क्लियर होगी कि बहुत कुछ यहाँ से पा सकते हैं, एक विजन हमें बनाना पड़ेगा। तो मनीष जी और पूजा जी का थैंक्स करते हैं शेयरिंग के लिए, और आगे चलते हैं हम लोग और मुलाकात करते हैं एक और डायनेमिक पर्सनालिटी से। वही जो गवर्नमेंट जॉब नौकरी आदमी के है तो आदमी कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं तो वो इनको सपने पड़े होते हैं, वो आगे बढ़ के बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ऐसी एक शख्सियत को जो ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर मनीष शर्मा जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। दोस्तों, नाम मनीष शर्मा है, कोटा राजस्थान से हूँ, और अच्छा मनीष त्रिपाठी जी की टीम से हूँ। दोस्तों, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ करता था, 31 साल की नौकरी, ऐसी नौकरी जिसकी तलाश या जिसका सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सपना हो नहीं पाता। दो गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, बंगला वगैरह सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी दोस्तों, और उसकी तलाश भी सब लोग करते हैं और वो सबको मिलती नहीं है, और वो है फ्रीडम, चैन, सुख शांति। तो दोस्तों, लेकिन 31 साल की नौकरी के बाद जो जीवन में पेन था ना, वो 27 मई 2015 को एक चमत्कार हुआ। मनीष त्रिपाठी जी ने कोटा में एक मीटिंग रखी और उसमें जबरदस्ती जाना हुआ, और उसके बाद दोस्तों जो जीवन में परिवर्तन हुआ ना, अनएक्सपेक्टेड था, और वो चमत्कार होने शुरू हुए दोस्तों जो कभी सोचे नहीं। नौकरी में हर 2 साल में ट्रांसफर हो जाता था, बच्चों के साथ रह नहीं पाते थे, 12, 13, 14 साल बच्चों से दूर रहा, फैमिली से दूर रहा, हर बार घूमना होता था, चैन नहीं था जिंदगी में। लेकिन दोस्तों, मोदी के आने के बाद जब इस चीज़ को समझा तो एक बात तो ये समझ में आई कि इसमें खोने को कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं, करना वो है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि बातें। और वो बातें करते करते दोस्तों एक कोशिश करनी शुरू करी 27 मई 2015 को, और उसके बाद जो चमत्कार शुरू हुआ ना दोस्तों, 2016 में क्योंकि हम 7-8 महीने में डायरेक्टर बन गए थे, और 2015-16 में डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, तो समीर मोदी सर का कोटा में पधारना हुआ, और उन्होंने 2016 में जब कंधे पे हाथ रख के ये कहा कि शर्मा जी अब आप चिंता मत करना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस 3 दिन तक हमको, 3 रातों तक नींद नहीं आई, और ये सोचते रहे कि क्या ऐसा किया था पूर्व जन्म में कि ये सब कुछ मिल रहा है। उस विश्वास को कायम रखा दोस्तों, फिर सुरेखा मैडम से मुलाकात हुई, और करते करते दोस्तों वो सब कुछ होने लग गया जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही करते थे, पता था कि हो नहीं पाता, हो नहीं पाएगा, लेकिन वो होना शुरू हो गया दोस्तों। रॉयल कैरेवन क्रूज मिला, हर 2 साल में गाड़ियां बदल लेते हैं फ्री में, विदेश यात्राएं हो गई हैं, इतना मान सम्मान है। दिल्ली में जब आजादी मार्च में 100 किलो गुलाब की माला सुरेखा मैडम ने पहनाई, तो दोस्तों ऐसा लगा कि हम किसी सपने में जी रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इस मैसेज के साथ कि जब खोने को कुछ नहीं है, नौकरी किसी करनी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉदरेशन नहीं है, करना है तो वो काम जो हम बचपन से करते हैं दोस्तों, सिर्फ वो काम करने से अगर कुछ चमत्कार होने की संभावना भी है तो दोस्तों उसमें क्या बुराई हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि कृपया करके इस चीज को एक बार समझें, सिर्फ समझें और कोशिश करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, चमत्कार होने की संभावना अगर है तो क्यों ना कोशिश करी जाए, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि एक चांस हम ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, जब सबके साथ चमत्कार हो सकता है तो हर किसी के साथ हो सकता है। बिल्कुल, चलिए इसी कड़ी में हम आगे बुलाते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जॉब प्रोफाइल के लोग जाते हैं, तो इसी कड़ी में मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष के साथ जॉब नौकरी करी, उनकी जिंदगी में अचानक मोदी केयर आ गया, और आने के बाद
उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। प्राइवेट जॉब किया था। और ये बिजनेस भी कैसा है, ये बिजनेस कहाँ से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। जब मुझे बिजनेस मिला था तो मेरी लाइफ चेंज हुई। तो सबसे पहले आदमी क्या कोशिश करता है, अपने परिवार के अंदर किसी न किसी को बताया जाए। तो मैंने अपने छोटे भाई को बताया कि ये बिजनेस जिंदगी बदल सकता है। उसने साथ दिया, उन्होंने कहा अगर ऐसा ही है तो क्यों ना किया जाए। आज हमारे बीच रेड डायमंड डायरेक्टर बनके हमारे बीच में, मैं बुलाना चाहूंगा रेड डायमंड डायरेक्टर दीपक करपाल जी। वेलकम दीपक जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, एक ऐसा आदमी जो 12-12, 16-16 घंटे काम करने के बाद अपनी जरूरतों के लिए फाइट कर रहा था, कभी सोचा नहीं था कि सपने में जीवन में कभी सपने पूरे होंगे। दोस्तों बताना चाहूंगा 17 सालों तक जो मेहनत करके मैं नहीं कर पाया वो पाने के लिए मैं मोदी केयर में आया था। मैं सबसे यही कहूंगा, हम आज जो भी व्यक्ति मोदी केयर के अंदर आता है ना, वो अपने जीवन में कठिन संघर्ष के बाद जो नहीं हासिल कर पाता है उसको पाने के लिए मोदी केयर में आता है। और वही पाने के लिए मैं भी मोदी केयर में आया था। डे फर्स्ट मुझे पता था जो मैं 17 सालों में नहीं कर पाया हूं, अगर वो करना है तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने अब तक नहीं किया है। तो मैंने अपना बेस्ट दिया और जैसे जैसे मुझे बताया गया मैंने इसको फॉलो किया। जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और इन बदलावों में अगर मैं दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बदलाव आया 2016 में, जो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी से, हमारी गुरु मां से। और उनके एक ऐसा औरा था ना, उनके से मिलने के बाद जीवन में कायाकल्प हो गया। करीब 2 साल तक संघर्ष करने के बाद जो हम प्राप्त नहीं कर पाए थे वो केवल 6 महीनों में मेरी इनकम अराउंड 1 लाख के पास पहुंच गई, जो कि मैं 50,000 रुपए के लिए फाइट कर रहा था मोदी केयर में आने के बाद। बहुत संघर्ष किया, सिस्टम नहीं मिला, गुरु माँ का ऐसा आशीर्वाद मिला कि लगातार आगे बढ़ते गए दोस्तों। उसके बाद टाइटल पे टाइटल जंप होते गए, आज मैं सेकंड हाइस्ट टाइटल रेड डायमंड डायरेक्टर पे हूँ। आज खुद ही नहीं और टीम में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत सारे टाइटल टीम में है। अगर मैं बात करूं तो टीम में अगर खुद की गाड़ी यहां से ली मैंने और 12.5 लाख रुपए की स्पोर्ट्स टॉप मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ, उससे पहले वैगनार मेरे पास थी मैंने यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा टीम में आज 35 गाड़ियां जो है कार फंड से आ चुकी हैं, 150 से ज्यादा लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं, 3 देशों की यात्रा मैं कर चुका हूँ जिसने दिल्ली नहीं देखा था। तो कहने का मतलब है आज अगर मैं बात करूं तो पूरा लाइफ चेंज हो गया, एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ हो गई है। तो दोस्तों ये सब आपके साथ भी हो सकता है। जब भी कॉन्टेस्ट आते हैं ना, कुछ नहीं किया उन कॉन्टेस्ट को फॉलो किया और उसमें 100% पार्टिसिपेशन किया और अपनी टीम के साथ लग के किया और यही कारण है यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सबके साथ भी यही सब कुछ होने वाला है, बस जैसे जैसे आपको बताया जाता है करते जाइए, वही हमने भी किया, कुछ नया नहीं किया। तो इस सब के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम, अपने मेंटर और अपने बड़े भाई मिस्टर नवीन खरकवाल जी का, समीर मोदी सर का, एंटायर मोदी केयर मैनेजमेंट का और जितने भी यहाँ पर सीनियर लीडर्स हमारे, जितने भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर्स हैं, सबसे कुछ न कुछ हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एंटायर टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी शानदार जो है टीम मेरे साथ है, बिना टीम के मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। थैंक यू दीपक जी शेयरिंग के लिए। बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आई और जिंदगी बदल गई। तो जैसे कहा जाता है कि क्यों ना एक चांस लिया जाए, चांस लेके देखा जाए। पर चांस लेने के लिए अभी तो भैया रॉयल करेब, हम कह सकते हैं कि आपको क्रूज में जाने का मौका मिल रहा है। मैं रॉयल करेबियन क्रूज में गया था तो वही मुंह में आ रहा है। तो कोटलिया क्रूज में जाने का आपको मौका मिल रहा है, दुबई घूमने का मौका मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक कॉन्टेस्ट कर, जैसे दीपक जी ने बोला कि आप केवल कॉन्टेस्ट को फॉलो करिए, कॉन्टेस्ट को फॉलो करते करते आप सिस्टम के अंदर कब आप लीडर बन गए, कब आपकी टीम बन गई आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं सारे लीडर्स का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने भी यहाँ पर शेयरिंग करी है। और मैं इस प्रोग्राम में फिर यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को कि आप आए और 2 शब्द अपने रखें इस टोटल कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आज जो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के हमारे लीडर्स हैं, जो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल करने वाले थे, उनसे माफी चाहती हूँ। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है और हम नेक्स्ट जो परिवर्तन करेंगे उसमें आपको टेस्टिमोनियल करने का मौका देंगे। वैसे भी जलवे का टाइम चल रहा है, क्रूज का टाइम चल रहा है, दुबई का टाइम चल रहा है और आज की इस सारी शेयरिंग में इतना ज्यादा मोटिवेशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हम इस टूल को थोड़ा कंसाइज रखें जिससे लोग देखें और अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाएं। इसलिए हम आज इसमें जो है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 58 कंट्रीज मैंने इंजॉय करी है मोदी केयर, अभी तक ना करते भी लाख लोगों को तो विदेश यात्रा लेकर के गया होगा। मोदी केयर का जो देश विदेश भ्रमण का जो प्रॉमिस है ना, वो बहुत खूबसूरत है। मतलब आपको एक ऐसी दुनिया देखने का मौका मिलता है जो आपको समझाती है कि भैया दुनिया में बहुत कुछ करने को, देखने को, जानने को बाकी है और हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। पर बस ये सब मिलता उन्हें है जो इसको सीरियसली लेते हैं। कहने को भैया 2 दिन का क्रूज है, चलो कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे। और कहने को अगर आप जिद पे ठान लो कि मैं आज गेस्ट हूं और मुझे भी इस क्रूज पर जाना है, तो ये क्रूज आपको स्विट्जरलैंड ले जाएगा, ये क्रूज आपको अलास्का ले जाएगा, ये आपको न्यूजीलैंड ले जाएगा, ये आपको यूएसए ले जाएगा, सारी दुनिया घुमाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आपकी जिंदगी का सफर है ना,
कि भैया कम से कम पैसे की किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं हो, आपके पर्सनल ग्रोथ की कोई कमी नहीं हो, आपको जो अपने आप से प्यार करने का मौका मिलता है वो मौके आपको हर दिन सैकड़ों बार मिलते चले जाएं, वो जो जिंदगी का सफर है ना उसको खूबसूरत बनाना है, तो जितने भी गेस्ट यहाँ आए हैं मैं कहती हूँ थोड़ा हौसला दिखाओ। अगर ये होता नहीं तो लाख लोगों के लिए भी होता नहीं। अगर ये लाख लोग कर चुके हैं, किसी पहाड़ पे अगर 150 लाख लोग खड़े हैं तो मतलब उस पे जाने का रास्ता है, वो रास्ता आपको भी मिल जाएगा, पर बस इरादा बना लीजिए कि हर हाल में आप इस यात्रा को मिस नहीं करेंगे। आप फ्री में जो कुछ मिल रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, मुनाफे में घाटा कभी खाएंगे नहीं। ये एंटरप्रेन्योर की पहली मेंटेलिटी होती है कि मुनाफे में घाटा नहीं खाना है। तो ये आपका मुनाफा है, ये ट्रिप आपका मुनाफा है, ये दुबई ट्रिप आपका मुनाफा है, ये क्रूज आपका मुनाफा है। इस मुनाफे में घाटा खाया तो फिर तो एंटरप्रेन्योर ही कहाँ हुए, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वही लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। तो पहला चेंज यहाँ, पहला शिफ्ट यहाँ कीजिए, बाकी सारे शिफ्ट करने के लिए कोई ऊपर वाला बैठा है। तो एक बार जोरदार तालियां मैं सारे प्रेजेंटर्स के लिए बजाते हुए एक और है ना अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। अगले संडे से जो हम परिवर्तन करते हैं लीप पर, हम थर्सडे को करते हैं और संडे को करते हैं। अब क्योंकि जलवे का टाइम चल रहा है, सब लोग दुबई और क्रूज के लिए फील्ड वर्क कर रहे हैं, संडे बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो हम लीप पर परिवर्तन थर्सडे एंड मंडे को किया करेंगे। आप संडे को पूरी तरीके से अपना टाइम अपने फील्ड वर्क के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए, पर्सनली मीटिंग्स के लिए रख सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सारे प्रेजेंटर, सारे अचीवर्स के लिए बजाते हुए मैं फिर से नवीन जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच नवीन जी फॉर द ग्रेट प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आज के जो प्रेजेंटेशन में जितने भी प्रेजेंटर हमारे बीच में आए थे सभी की शेयरिंग हमने देखी, बिजनेस का मॉड्यूल हमने देखा, और सबकी शेयरिंग से एक चीज तो पता चलता है कि अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है। मैं बता दूं आपको, जब मोदी करके जब ट्रिप जाता है ना, उस ट्रिप के अंदर जो होता है, मैं क्रूज की बात करें, मैं क्रूज एंजॉय करके आया, मैं दुबई एंजॉय करके आया, वहां जाने के बाद जो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आप अकेले चले जाइए, आप 10 लाख खर्च करके आइए, आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आप ग्रुप के साथ जाएंगे ना, जो मजा आपको वहां पर मिलता है, जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है, वो आपको बिल्कुल अल्टीमेट है। बिल्कुल आप जैसे मुनीश चोपड़ा जी ने बताया था, आप उन लोगों को आप एक बार जाके देखिए उन लोगों के पास, कि जिन लोगों को आप चाहते हैं, जिनके साथ कॉफी पीते हैं, उठना बैठना करते हैं, उनको बोलिए एक ट्रिप ऐसा ऐसा है करके, अपलाइन की मदद लीजिए, थोड़ा बात करिए, 100% कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 4 लोगों को लेके नहीं जाएगा। तो सबके लिए एक मौका बना हुआ है, स्टार्ट लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, खुद से शुरुआत करिए, इस बिजनेस का हिस्सा बनिए, हम सब आपके साथ हैं। एक रीजन आपके पास होना चाहिए, मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, कर दे तो 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएंगे तक बताने के लिए लोग तैयार हैं। तो हम सब आपके साथ हैं, आप आइए मिलके जश्न मनाते हैं और जलवा 2023 में जलवा करते हैं। तो आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।